नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं छोटी गंडक नदी के तट पर और हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं यह मछली व्यवसाय करते हैं, नदियों में मछली मारकर अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं। दिक्कत यह है कि जो छोटी गंडक नदी है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं आज तक तो हैं जो कि नदियों में जहरीले पदार्थ डाल दिए हैं जिससे लाखों की संख्या में मछली मर गई है। एक तो जल दूषित हो रहा है, दूसरी तरफ इस नदी से पानी पीने वाली जो भी मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनको भी जान की खतरा बनी है क्योंकि नदी में जहरीले पदार्थ डालने से मछली तो मर रही है तो हो सकता है कि अन्य जो नदी से जुड़े हुए जो नदियों के पानी पीते हैं उनके भी संकट आ गए। कुछ इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है, नदी में जहरीले पदार्थ डाल दिया है, इन लोगों की व्यवसाय पर किस तरह का असर पड़ रहा है। चाचा आपका क्या नाम है? सुभाष प्रसाद। किस तरह का दिक्कत हो रहा है नदी में जो मछली जो नदियों में जो मछली मरी है इसके क्या आप लोग का दिक्कत? हर साल जो है हितिमपुर सधाकर और पूरा जो है ये बैकुंठपुर इलाका है और हर साल जो है दवाई मार दिया जाता है, जितना मछलियां हैं सब मर भी जाती हैं, नदी में बैठ भी जाती है, बाद में मरने के बाद जो है उतराती है और पूरी गंडक जो है बदबू से एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। और हर साल हम लोग गरीब आदमी हैं, जात का हम निषाद हैं, हमारे पास जो है खाने का हर चीज़ का व्यवसाय हमारा वही है। लोगों ने कभी पुलिस में कंप्लेन इसके लिए किया, कार्रवाई हुआ है कि नहीं? नहीं किया, नहीं अभी तक ले नहीं किया है, अभी हम लोग कर रहे हैं और इसकी सुनवाई हो के कि हर साल जो है दवाई मार दिया जाता है। हम जात का मलाह हैं, हमारे पास खेती नहीं है, बारी नहीं है, हमारा जीने खाने का सहारा वही है, रोजी रोटी वही है, उसी से हम लोग जीते खाते हैं। जैसे कि आपने सुना एक बुजुर्ग चाचा अपनी समस्या बता रहे हैं, इसमें हमारे साथ एक और यंग है, आपको किस तरह की समस्या है क्योंकि आप यंग है, शायद आप अन्य व्यवसाय करते हैं कि आप मछली पालन मछली मार रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस गंडक छोटी गंडक नदी के बीच नीचे जो हमारे मलाह भाई जो हैं जो व्यवसाय करते हैं मछली से संबंधित, और आए दिन जो कुछ उसमें मनचले लड़के हैं जो जहरीले पदार्थ मार करके और मछलियां मारते हैं, इसमें बहुत नुकसान है। सबसे बड़ी बात है कि इसी पानी से कुछ लोग अपने खेत की सिंचाई भी करते हैं, कुछ मवेशी पानी भी पीते हैं जो कि आए दिन उनके जान का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे जिसने भी ये मतलब दूषित पदार्थ और जहरीले पदार्थ डाल करके मछलियों को नुकसान पहुंचाए हैं। गरीब मलाह जो हैं नदियों किनारे बसे पड़े हैं जो इनसे इनकी खर्चा दिन रोजी रोटी चलती है, वो भी परेशान है इस मतलब लेकर के इसको। तो सबसे हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उनको पकड़ करके कानूनी कार्रवाई की जाए, बस यही हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय वर्मा है, बैकुंठपुर रहने वाले हैं हम। जैसे कि आपने सुना अजय वर्मा जी ने अपनी समस्या बताई, ऐसे में एक और हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे आप इसी धंधे से मछली से जुड़े हुए? हाँ, हाँ, तो जो मछलियां हैं आप लोग मारते प्रतिदिन कमाते थे लेकिन हाँ, जो मरी हैं इस तरह किस तरह से दिक्कत है नदियों में जो तमाम, कितनी मछलियां मरी हैं? बहुत सारी मछलियां मर गई हैं, जहर डाल देने से पानी पूरा प्रदूषित हो गया है और इसी में मान के चलिए हम लोगों का रोजी रोटी है, जाते हैं अपना मछली पकड़ते हैं और एक ही बार जब सारा का सारा मर जाएगा तो अपनी रोजी रोटी पर भी दिक्कत आ सकती है। कब से ये समस्या है? सुना जा रहा है कि हर वर्ष इस तरह का हाँ हर साल ऐसे ही होता है, हर साल मतलब लोग जो हैं जहर मार देते हैं और हर साल दिक्कत होती है ऐसे। कब कितने कब मछली अभी तीन चार दिन पहले तीन चार दिन पहले अभी मारे थे लोग, आगे आपका आम घाट जो है ना उसके आगे बेलोनिया की तरफ मारे थे तो पूरा का पूरा मछली मर गया। नदी से बदबू भी आ रही है, बहुत काफ़ी बदबू आ रहा है। जैसे कि आपने सुना जो लोगों की समस्या, ऐसे में हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यह किस तरह की समस्या फेस करते हैं, आपको किस तरह की समस्या, क्योंकि आप लोग ग्रामीण एरिया हो, ग्रामीण लोग जो कि पशुपालन भी करते हैं और उन नदियों का सहारा लेते हैं, जब भी उनको पानी पिलाना या कहीं उन्हें चराने ले जाना हो तो नदियों का सहारा लेते हैं, किस तरह का दिक्कत आप? इसमें दिक्कत देखिए सबके लिए है, हमारे समुदाय के जितने भी गरीब मजदूर हैं लोग नदी के सहारे ही जीते हैं, नदी में जाते हैं, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने परिवार की जीविका पालन करते हैं। इसमें समस्या ये है कि ये हर साल ये हेतिमपुर से लेकर के ये नदी मतलब कि जा करके हमें रवना सरजू जी में मिली है, इतने गंडक किनारे दोनों साइड में जितने भी मलाह बिरादरी के लोग हैं ये प्रभावित होते हैं, ये जहर मारते हैं हर 10 दिन पे 15 दिन पे ये जहर मारते हैं। हमको जहाँ तक जानकारी है कोटवा कमधनवा और उस पार है कौन
कोनवलिया कोनवलिया इस जगह पे है मेन, ऐसे एक ग्रोह है इनका, 10 लोगों का 15 लोगों का ये जो भी है इन लोगों का ग्रोह है। ये लोग एक साथ मिल करके जहर लाते हैं और नदी मार के अपना एक बार पूरा मछली जो है कि निकाल के लेके जाते हैं, लेकिन बाकी मछलियाँ कई लाखों की संख्या में कई कुंटल मछलियाँ मर जाती हैं, जो बह जाती हैं वो ऊपर आती हैं सर करके, पूरा प्रदूषण गंडक नदी को प्रदूषण करता है, जिससे गाय गोरू भैंस जो दोनों किनारे जितने भी गांव हैं वो नदी में जाते हैं पानी पीने के लिए, उनको नुकसान होता है, बीमार होते हैं, तो इनसे आम जनता को भी परेशानी है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे गरीब भाई हैं जो इससे अपनी जीविका चलाते हैं, उनको परेशानी होती है, अभी वो दवा मार देते हैं तो जो दिन रात इसमें मजदूरी करते हैं, जाके दिन भर मजदूरी करते हैं, 1 किलो 2 किलो मार करके लेके आते हैं, उनके पेट पे सीधा ये लोग लात मारते हैं। प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इनकी जो लोग भी इस तरह के आपराधिक घटना कर रहे हैं, इनका जो कि ये लोग खोजबीन करें, इन पे कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और इस तरह के कार्य को रोका जाए, क्योंकि गरीब परिवारों का इनसे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। बस हमारा यही कहना है प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटेलाल सहानी है, मैं बैकुंठपुर का रहने वाला हूं और इसके लिए मैं हम लोगों ने एक आवाज़ ये भी उठाया था, गंडक किनारे जितने भी मलाह बिरादरी हैं वहाँ जा के हम लोग जागरूकता अभियान चलाया था कि इस तरह का कोई घटना करता है तो हम लोग को जानकारी दें, लेकिन इतना होने के बाद भी ये लोग अभी मान नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने सुना ये मलाह बिरादरी हैं और इनकी जो रोजी रोटी है इसी नदियों से जुड़ी हुई, मछली पालन करते हैं, कुछ जिनके पास समर्थ नहीं है वो नदियों में मछली मारकर अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।